हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी टीईटी और अदर एग्जाम्स को लेकर टारगेट करके हम लोग साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज में आज पार्ट टू बनाने जा रहा हूँ, आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिससे आपका साइंस का कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सीरीज का दूसरा पार्ट देखते हैं, जो कि पार्ट टू होगा। पार्ट टू, ठीक है, इसी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप अगर इन पार्ट्स को एक बार रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम देने, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, ठीक है। तो आज हम लोग जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जाएंगे, जिस जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। ये आप समझ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर और जरूर 100% फंसता ही फंसता है, श्योर शॉट, ठीक है। तो इसमें से आज हम लोग न्यूट्रिशन को समझेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को एनर्जी और ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा हमें? प्रॉपर डाइट से, ठीक है। डाइट का जो एक प्रॉपर, नहीं कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ कम नहीं होनी चाहिए, सभी चीज़ें जो है वो एक अमाउंट में होनी चाहिए, फिक्स रेशियो में होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो उसका हम पर इम्पैक्ट दिखाई देगा, और कोई चीज़ कम होगी तो उसका भी हम पर इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो उसी को बोलेंगे, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो देखिए, न्यूट्रिशन में बेसिकली जो चाहिए किन किन पार्ट, न्यूट्रिशन का पार्ट क्या क्या होता है, देखिए कुछ चार पांच पार्ट है। देखिए, एक तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों को पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स, ठीक है। हम लोग इनकी वर्किंग पढ़ेंगे, इनके इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इनसे इनकी जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में जानेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट पहला क्वेश्चन ये पूछा था, देखो ये कोई भी, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल और विटामिन, ये जो है सारे के सारे, मतलब ये बेसिकली इन तीन की अगर बात करेंगे तो ये सब होते हैं पॉलीमर। पॉलीमर आपने आपको पता होगा कि एक सिंपल चेन होती है, इसे मोनोमर कहते हैं, और उसी मोनोमर्स को मिलकर बनते हैं पॉलीमर। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल के होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी जैसे ये चेन है, ठीक है, ये तो ये कहलाएगी पॉलीमर, और इसमें जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मोनोमर, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और सिंपल शुगर, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन आपका यही बन गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सिंपल शुगर का एक मोनोमर है। मतलब या तो ग्लूकोज ऑप्शन में होगा, या फ्रक्टोज भी हो सकता है, और सिंपल शुगर भी ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे अगर आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन दूसरा उठता है कि जो इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा, तो ये दूसरा पॉइंट इसका अगर हम लोग नोट करेंगे तो इंस्टेंट एनर्जी, क्या इंस्टेंट एनर्जी, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये इंस्टेंट एनर्जी देगा हमको, मतलब क्विक एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा किसी को वीकनेस सी लग रही तो वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज घोल के पी जाएगा। तो ग्लूकोज क्या है? एक्चुअली ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको कुछ बात बता देता हूँ, जैसे हम जो भी कुछ खाते हैं हमारी बॉडी उसको नहीं यूज कर रही है, ठीक है, हमारी बॉडी उसको नहीं यूज कर रही है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो हमारा लिवर जो है उसको ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करेगा। हमारी बॉडी से ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करती है, उसी से एनर्जी, मतलब आपको पता है हमारी एनर्जी करेंसी जो है एटीपी। क्वेश्चन जो आता जा रहा है वो बताता जा रहा हूँ साथ ही। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये भी नोट कर लीजिए, नोट लगा के, कि एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल या ऑफ द बॉडी, लिख लो यार, ऑफ द बॉडी, तो कौन होते हैं? एटीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत ही
मतलब कॉमन है, सभी को पता होगा, बट आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। मतलब आदत में होता है टीचर की, उसे ये नहीं पता होता स्टूडेंट को क्या पता है, वही सोचता है कि उसको जो पता है वो स्टूडेंट तो पहुंचना चाहिए, किसी को पता होता है किसी को नहीं, तो सभी को पता चलना चाहिए, ठीक है। तो एटीपी जो है वो क्या हो गया, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी हो गया, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी कौन देता, ग्लूकोज, ग्लूकोज को ही ब्रेक किया जाता है, किसमें, एटीपी में ब्रेक किया जाता है, ठीक है। और मतलब एटीपी में ब्रेक करके उसी को करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करता है हमारा बॉडी, हमारी सेल, ठीक है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए कौन इस्तेमाल क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और जो हाईएस्ट शुगर होते हैं वो कौन होते हैं, स्टार्च होते हैं, मतलब बहुत सारे स्टार्च हो गया, ये सब कॉम्प्लेक्स शुगर है। अगर पूछा जाए विच वन इज कॉम्प्लेक्स, तो स्टार्च हो गया, एक आपको पता है सेल्युलोस, सेल्युलोस आपको पता होगा जिससे सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल, ठीक है, जो प्लांट्स में पाई जाती है सेल वॉल, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट की बात, कार्बोहाइड्रेट चाहे सिंपल शुगर। हाँ, मैं बता रहा था कि जो भी कुछ हम खाते हैं वो सब प्रोटीन सॉरी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, किसमें, लिवर में, हमारा लिवर जो है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, ठीक है, लीवर में। तो पूछा जाएगा कि इसमें मतलब कौन सा ऑर्गेन है जो कार्बोहाइड्रेट को या फैट को किसी को भी जो है शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो लीवर होता है, ठीक है। और लीवर हमारा इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है, अगर ये सही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये सही ग्लूकोज से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इंस्टेंट एनर्जी है, कार्य किसमें पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है, जिसमें स्टार्च होता है, स्टार्च मतलब जैसे आलू हो गया, आलू बोले तो पोटैटो है ना, और राइस, पोटैटो, राइस, बीट शुगर, बीट रूट, ठीक है, और स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये सब जो है सोर्स होते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के, इसमें मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जरा पढ़ेंगे फैट के बारे में, देखिए फैट। तो पहले तो बात होती है मोनोमर, तो मोनोमर क्या होते हैं, लिपिड्स, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड सैकेराइड्स, नहीं सॉरी फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। ये इसके मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स क्या है ये, सॉरी मोनोमर्स है, मोनोमर्स, मोनोमर्स, ये मोनोमर्स होते हैं, मतलब इन्हीं से बनकर फैट बनते हैं, अलग अलग टाइप के फैट होते हैं, ठीक है। और आप ये जो सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जब जब कार्बोहाइड्रेट नहीं बॉडी में, मान लिया आपने पूरे दिन खाना नहीं खाया, तो किसी वजह से या फास्टिंग पे हैं या बाहर गए हुए हैं, आपको खाना नहीं मिला, तो उस दौरान आपका जो बॉडी में फैट होता है, रिजर्व फैट होता है, देखो फैट भी बॉडी में जरूरी होता है, अगर आपके अंदर फैट नहीं है तो आप कई बीमारियों का शिकार हो सकते हो। तो फैट जो है वो सेकेंड सोर्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट फैट का कंजम्पशन बॉडी करने लग जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मतलब यूपीटीटी में भी आ चुका है कि सिक्वेंस बताइए, सबसे पहले बॉडी किसका कंजम्पशन करेगी, तो देखिए सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट लेती है एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद अगर उसको नहीं मिल रहा है, कुछ वक्त तक खाना नहीं मिला, तो फिर वो बॉडी में फैट जो कंजर्व होता है, उसका कार्बोहाइड्रेट कहीं कंजर्व नहीं होता, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कहीं भी कंजर्व नहीं होता, फैट की फॉर्म में कंजर्व हो जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज्यादा ले रहे हैं तो फैट में कन्वर्ट कर देगा कौन, फिर अगेन लीवर, ठीक है। तो फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में कन्वर्ट होने लगता है, तो ज्यादा फैट अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और उसके बाद प्रोटीन, जब हम और भी ज्यादा दिन तक हम खाना नहीं खाएंगे, मान लो एक दो दिन फास्टिंग हो गई, किसी वजह से मान लो बीमार ही है, नहीं खाने का मन, या कई बार बीमारियों में जो है खाना बंद कर देते हैं, तो प्रोटीन का फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे फैट देगा, ठीक है, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। और प्रोटीन आप चाहे तो नोट भी करते रहें, अपने नोट्स बना लें, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, फैट देगा, और प्रोटीन सबसे ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी देगा, लेकिन प्रोटीन का जो एनर्जी प्रोड्यूशन का जो प्रोसेस है वो हार्मफुल है, कि जिससे हमारे मसल्स का डीजनरेशन होने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, फैट क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन्स
के लिए फॉर फैट सोल्युबल विटामिंस के लिए भी हमारे अंदर फैट जरूरी होता है, ठीक है। वो जैसे घी ऑयल्स वगैरह में पाए जाते हैं, घी हो गए ऑयल सब घी, आपको पता है अलग अलग प्रकार के घी होंगे और उन्हीं में ये सारे पाए जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रोटीन्स की बात करेंगे। अच्छा हाँ, अगर उसकी कमी होगी कार्बोहाइड्रेट की तो आपको पता है बिलो जो एनर्जी लेवल रहेगा, थकान रहेगी, फैटिक रहेगा। फैट अगर ज़्यादा होगा तो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, बीमारियां दिल की होंगी वगैरह वगैरह। और फैट जो है हमारी बॉडी में ज़रूरी भी है, अगर नहीं ज़रूरी हो मतलब अगर कमी हो रही है फैट की तो जाहिर सी बात है जो फैट सोल्युबल विटामिन हैं वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ए और सी को छोड़कर बाकी सभी जो हैं फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, तो फैट की होना आवश्यक है। मतलब अगर कोई ये कहता नहीं फैट जो है बॉडी के लिए हार्मफुल ही है तो ऐसा नहीं है, फैट जो है वो हमारे लिए ज़रूरी भी है लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, कम से कम। अच्छा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड, क्या है, अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड है या प्रोटीन को बनाने में किस चीज़ का इस मोनोमर का इस्तेमाल किया था, अमीनो एसिड का, ठीक है। और अमीनो एसिड जो है वो अमीनो एसिड को प्रोडक्शन के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। हमें पता है कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है वो कौन है, प्लांट्स हैं। अर्थ पे तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड प्लांट ही है ना, और प्लांट जो है वही बनाते तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में ले पाते हैं प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली एन को मतलब नाइट्रोजन को एटमोसफियर से कैरी नहीं कर पाते। तो अमीनो एसिड जो है अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड जो है मोनोमर हो गया प्रोटीन का। सेकंड, प्रोटीन जो है मसल बिल्डिंग में हेल्पफुल है, मसल बिल्डिंग में मतलब मसल बिल्डिंग से मतलब ये नहीं सिर्फ मसल बिल्डिंग, हमारी बॉडी को जो ग्रोथ मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, प्रोटीन की वजह से। और थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, देखिए मैं बता रहा हूँ इसी से क्वेश्चन फंसते हैं, है साधारण सी बातें। एक मिनट में आपको एक बार दो बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा कि जैसे पूछा जाएगा कि सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है, तो वो आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट। कंजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन है, तो फैट है। और ये हाँ, इसको कंजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी कहेंगे, कंजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी, जबकि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है एक तरीके से जब क्या कहेंगे उसको, कंजर्व से भी ज़्यादा जैसे डेडली फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब बिल्कुल कंडीशन ख़राब है, डेडली फॉर्म ऑफ एनर्जी यार कुछ आ नहीं रहा इस समय टर्म, आप ये समझ लो मैं हिंदी में बता देता हूँ, डेडली फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब जब बिल्कुल बॉडी जो है बिल्कुल अनरेस्ट है, बिल्कुल परेशानी में है, तब ये एनर्जी। भाई ऑब्वियसली ये है कि हम जनरली तो खाना नहीं छोड़ते ना, मान लो दो दिन छोड़ लिया किसी वजह से छोड़ दिया, लेकिन अगर आपको लंबा समय हो रहा है इसका मतलब आप किसी परेशानी में, तभी तो आपका खाना छूटा, तब उस कंडीशन में कौन आपका काम आएगा, प्रोटीन काम आएगा, ठीक है, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन है। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई हैं आपको, यकीन मानिए इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन्स पे, विटामिन्स मिनरल्स वो इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो विटामिन्स, देखिए विटामिन्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए विटामिन्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो फंक ने, फंक ने, ठीक है, फंक याद रखें आप, फंक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज की थी। विटामिन दो तरीके के होते हैं, देखिए एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज फैट सोल्यूबल विच वन इज, तो आपको सिर्फ वाटर सोल्यूबल याद रखना है, ए और सी, विटामिन ए और सी आर, ए एंड सी आर वाटर सोल्यूबल एंड अदर आर फैट सोल्यूबल, यानी बी ई के सारे क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग विटामिन के बारे में आगे चर्चा करेंगे, उनकी साइंटिफिक नेम्स के बारे में और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला तो काम करेंगे सारे विटामिन लिख लेंगे, उनके साइंटिफिक नेम और उनके, तो देखिए विटामिन ए से स्टार्ट करेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी वन, बी टू,
B3, B5, B6, B7, B9, ठीक है। अभी यहीं पे इतने ही रुक रहा है, पेन मेरा रुक रहा है, मुझे एक डालनी पड़ेगी एनीवेज, ठीक है। पहले इतना लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, रेटिनॉल, आपको याद कर लेना है रेटिनॉल, ठीक है। बी वन थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटेथोनिक, ठीक है। B6 पायरिडॉक्सिन, B7 ए, जस्ट मिनट, इसमें मैं एक डालू जरा, सेवन बायोटिन, 9 फॉलिक एसिड, आई थिंक अब क्लियर दिख रहा होगा, और B12 साइनो कोबा लैमाइन, डॉक्टर बहुत लिखते हैं इसको, ठीक है। अब इनसे होने वाले रोगों के बारे में जरा समझ लेते हैं। देखो, रेटिनॉल से आपको पता है इससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखता नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अच्छा, थायमिन, मैं इस रोगों के बारे में बता दूंगा डिटेल में, थायमिन बेरी बेरी मॉर्निंग डिजीज भी कहते हैं इसको, चिलोसिस, ये चिलोसिस, पेलाग्रा, पेंटेथोनिक एसिड, पिंस एंड नीडल्स, ठीक है। पायरोक्सिन, एनीमिया, B7 इंटेस्टाइनल डिस्टरबेंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ठीक है। फॉलिक एसिड, मेकिंग ऑफ या सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, ठीक है, RNA, और साइनोकोबालैमाइन, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपकी बीमारी है, ठीक है, समझ लीजिए। विटामिन ए, रेटिनॉल, आपको पता है विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, मतलब गाजर में और अंडे में, दूध में, कोड ऑयल में, ठीक है ना। तो ये एक नाइट ब्लाइंड है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ से पाया जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक नेम सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं टिक लगाता चल रहा हूँ, रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है, रात में व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, उसकी जो आँख है उसमें रॉड्स कम बनती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आँख में दो तरीके की सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। रॉड जो है वो नाइट विजन के लिए हेल्पफुल है, और कोन्स जो है वो डे विजन और कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो रॉड्स जो है वो बनना बंद हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होने लगता है अगर विटामिन ए की कमी हो रही है। और आ जाते हैं बेरी बेरी से मॉर्निंग डिजीज भी कहते हैं, मतलब वीकनेस लगना, सुबह आपने देखा होगा उठने में बहुत दिक्कत है, गिर रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि अरे पड़े रहे बेड पे ही, तो उसे मॉर्निंग डिजीज भी कहेंगे। चिलोसिस होता है लिप्स क्रैकिंग ऑफ लिप्स, ठीक है, इसे बोलेंगे क्रैकिंग ऑफ लिप्स, लिप्स की क्रैकिंग होने लगती है, साइड में जो कर्व्स होते हैं यहाँ पर भी फटने लगता है, शायद आपने रेयर डिजीज है देखा होगा, बच्चों में पाया जाता है, स्वेलिंग आ जाती है होठों पे, फटने लगते हैं होठ, और साइडों पे ये जो कर्व्स होते हैं यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मतलब कर्व आ जाता है, ठीक है। पेलाग्रा, हाथों पैरों में अजीब सी एक पपड़ी सी पड़ जाती है, ब्लैक इज इट कॉल्ड पेलाग्रा। पिंस एंड नीडल्स बॉडी में जो चुभन होने लगती है, कहीं यहाँ बॉडी के अलग अलग पार्ट में, एनीमिया से ऑल ऑफ अस जो है वो अच्छे से फेमिलियर है। इंटेस्टाइनल डिसबैलेंस रहेगा, मतलब प्रॉपर जो है वो
डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, फॉलिक एसिड आपको पता है, डीएनए आरएनए और साथ ही एनीमिया के मतलब आरबीसी बनाने में हेल्पफुल है। और आ जाते हैं बीटल साइको साइनोकोबालैमाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, केचेलोसिस पढ़ना है, ये सारे छोड़ दीजिए, B6 पाइरोक्सिन ये भी पढ़ना होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये इंटेस्टाइनल डिसबैलेंस छोड़ दीजिए, और ये इसके वाला B9 और इसका भी ये वाला, ठीक है। इतने आपको पढ़ने पढ़ने मतलब दो रह रहे हैं, आप चाहो तो तीन इसको भी पढ़ सकते हो, फिलहाल ये आपको इतने करने ही करने हैं, ठीक है। इनका इनके जो नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, हर बार कोई ना कोई पूछा ही जाता है, जैसे ये वाला रेटिनॉल अभी रिसेंटली आया था PCS के पेपर में, थायमिन आ चुका है, बिलीबिली किससे होता है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसता जरूर है, आपको श्योर शॉट इसे पढ़ना ही है, दो बार कम से कम वीडियो को देखें, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी ये तो आगे विटामिन की बात, यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि विटामिन ए, सॉरी अभी सी लिखा नहीं मैंने, तो विटामिन ए और सी जो है ये सारे क्या है, बाकी ए को अगर छोड़ दें तो ये सारे क्या है, फैट सोल्युबल विटामिन है, क्या फैट सोल्युबल विटामिन, अगर मतलब अगर ये जो है फैट नहीं होगा बॉडी में तो फिर ये विटामिन काम नहीं करेंगे, इसलिए फैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। थोड़ा बहुत फैट लेना चाहिए, घी वगैरह थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, मैं सोचता हूँ कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट दे पाऊं, और मतलब आप समझ सकते हैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बाकी मैं और आगे जो और मोटिवेट करेंगे और अच्छा वीडियो और अच्छा कंटेंट लाने के लिए आपका, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे विटामिन सी की, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। सी ये वाटर सोल्युबल आ गया विटामिन, ठीक है, इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, और डी रहेगा सॉरी विटामिन डी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, आपको पता है स्कर्वी होता है, इससे बहुत बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, स्कर्वी क्या होता है, मतलब मतलब जो हमारे गम्स हैं वो स्वेलिंग हो जाती है, उनमें से ब्लीडिंग आने लगती है, और समटाइम लॉस ऑफ टीथ भी हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। टोकोफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल और फेलोक्विनोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, तो मे बी आपको इजी लगे लेकिन थोड़ा मैं कंफ्यूज आता हूँ। विटामिन ई टोकोफेरॉल, देखो इसको जो है वो इसकी कमी से जो है ये इसी मतलब मैं अपनी भाषा में मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन विटामिन ए जो है ई जो है वो यंग हार्मोन है, यंग विटामिन भी कहते हैं, मतलब अगर आप इसको लेते रहें किसी भी पर्सन के लुक को यंग बनाए रखने के लिए आपको ये विटामिन लेना जरूरी है, साथ ही जो है ये हमारे रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी के लिए जरूरी है, ठीक है। ये हो गया, मतलब आप समझ लीजिए यार क्या है, ठीक है। विटामिन के की कमी की वजह से क्या होगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, हीमोफीलिया मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत होती है हीमोफीलिया, स्पेलिंग में थोड़ा डाउट लग रहा है लेकिन प्लीज आप इसको याद कर लेना, हीमोफीलिया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक जेनेटिक डिजीज भी है जिसमें क्या होता है लगातार एक बार चोट लगती है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, उसकी ब्लीडिंग आसानी से रुकती नहीं, विटामिन के हेल्पफुल इन मतलब इसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये हीमोफीलिया के लिए जरूरी नहीं है, ये डेफिशिएंसी से है, अगर कमी है, ठीक है, डेफिशिएंसी अगर कमी हो रही है तो फिर हीमोफीलिया हो जाएगा, यानी एक बार ब्लीडिंग होगी तो फिर लगातार होती रहेगी, या यूं कहें कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल है, किसके लिए हेल्पफुल है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है क्लॉटिंग, सही है शायद, क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है विटामिन के, अगर विटामिन के नहीं होगा तो अगर इंसान किसी भी व्यक्ति के अगर चोट लग जाती है किसी पर्सन के तो कंटिन्यूसली ब्लड जो है वो रिलीज होता रहेगा, उसकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये पाया जाता है किसमें, जो तरबूज हो गया, खरबूजे इसके बीजों में, तरबूजों में पाया जाता है, और आपके कॉलीफ्लावर ग्रीन वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, ठीक है।
और आपको ये तो वेरी फेमिलियर विटामिन डी है, जिससे क्या होता है रिकेट्स होता है, आपने देखा होगा बच्चों के जो हाथ पैर होते हैं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, जलाशय में गिरे टूट गया, ठीक है, वो रिकेट्स जो है सूखा रोग, इसको हिंदी में सूखा रोग कहते हैं, इंग्लिश में इसको रिकेट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों के बेंडिंग ऑफ लेग्स भी हो जाती है, इस तरीके से हो जाता है, या फिर ऐसे ऐसे पैरों का साइज इस तरह से हो जाता है कुछ, तो इसे रिकेट्स कहते हैं। और बड़ों में इससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस भी ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ये सारी चीजें ये इसकी कमी की वजह से होती है, विटामिन डी यानी कोलिकैल्सिफेरॉल, ठीक है। और विटामिन डी पूछा जाता है कि विटामिन डी क्यों नेसेसरी है, तो ये जो है हमारे इंटेस्टाइन में, मतलब हमारे स्टमक में अरे एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम आयन का जो अब्जॉर्प्शन है वो कौन करता है, वो यहाँ पे इसकी हेल्प की वजह से होता है विटामिन डी की। अगर विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, तो फिर प्रॉपर जो है वो उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा कैल्शियम का, और बॉडी में कैल्शियम की कमी बनी रहेगी, ठीक है। और आपको पता है विटामिन कैल्शियम कम है तो जाहिर सी बात है आपके दांत भी कमजोर होंगे और हड्डियाँ भी कमजोर होंगी, ठीक है, विटामिन डी की कमी से होगा। अच्छा हाँ, विटामिन डी जो है वो जनरेट बिलो द स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, यानी सनलाइट में अगर हम थोड़ी देर 10-15 मिनट भी अगर सनलाइट में रहेंगे और स्किन पे सनलाइट पड़ेगी तो वहां पर अपने आप विटामिन डी जनरेट होगा। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को थोड़ी देर धूप में घुमाना चाहिए, खुद भी घूमना चाहिए, बट पीपल डोंट हैव इनफ टाइम टू यू नो धूप सेकने के लिए, उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं, समय नहीं है, और कहीं कहीं पर तो धूप पहुंचती भी नहीं है। अपने इंडिया में इतने कंजस्टेड जगह कहीं कहीं है, दिल्ली वगैरह में जाएं तो वहां पर तो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर धूप ही नहीं पहुंचती कभी, पूरी लाइफ उनकी बिना धूप के ही जा रही होती है, ठीक है। लेकिन धूप बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि विटामिन डी जो है वो वहीं से जनरेट होने वाला है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अभी आगे हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आपको अगर याद हो गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, मैं हटाता हूँ इसको। अच्छा, थोड़ी सी और चीजें बातें करेंगे हम, देखिए प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे डिटेल चैप्टर है, वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बताना चाहेंगे सिर्फ थोड़ा। देखो प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है, देखिए डीएनए एंड आरएनए की हेल्प से, डीएनए और आरएनए इसमें हेल्प करते हैं, और साथ में राइबोसोम्स, ठीक है। ये कहां पर पाए जाते हैं राइबोसोम्स, रफ ईआर, यानी कि आपने पढ़ा होगा सेल में एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं रफ ईआर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखिए डीएनए क्या करता है, डीएनए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड,
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है। तो डीएनए क्या करता है, देखो ये भी क्वेश्चन है कि ये कैरी करता है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डीएनए क्या करता है, डीएनए करता है कैरी द पेरेंटल इंफॉर्मेशन टू देयर गाइस एक मिनट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बट लाइट थोड़ा मतलब हल्का चल रहा था, इस वजह से कैरी द पेरेंटल इंफॉर्मेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स मतलब अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो किसकी वजह से पहुंचती है, डीएनए की वजह से। जो डीएनए में, अब देखिए डीएनए में कोडिंग होती है, जो कोडिंग डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। वहां से कोडिंग को रीड करता है, कौन रीड करता है, आरएनए रीड करता है और वो जाता है राइबोसोम्स पर। थोड़ा सा बता रहा हूँ यार, पता नहीं मन में आया तो बता दूं, राइबोसोम्स पर और वहां पर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो यहां से प्रोटीन सिंथेसिस क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन कैरी करके ले जाता है, डीएनए, और डीएनए कहां पर होता है ये भी समझ लो, डीएनए होता है क्रोमोसोम्स पर। डीएनए क्रोमोसोम्स एक्चुअली क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक्चुअल यूनिट यही है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, और यही जो है डीएनए जो होता है इसी पर, ये डीएनए और हिस्टोन मिलकर बनाते हैं जीन। ठीक है, आपको पता है हर एक जीन एक एक मतलब कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और वही इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। ठीक है, और वहाँ पर कोडिंग जो डीएनए पे जो कोडिंग होगी उसको आरएनए रीड करता है, वो राइबोसोम पर जाता है और राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जैसा प्रोटीन सिंथेसिस होगा हमारी बॉडी में, वैसे हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा हमारे। बाकी आपको पता है कि जो भी मतलब बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन से प्रोसेस चलती रहती हैं उनमें प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमारा माइंड कैसा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन यू नो वेरी वेल कि आपको ये भी पता है कि सिर्फ जीन्स से काम नहीं चलता, हमारा एनवायरनमेंट भी हमारी बॉडी पे इंपैक्ट डालता है। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आज के टॉपिक में। हम लोग कल फिर नेक्स्ट सेशन के साथ आएंगे और आपको और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे जिससे कि आपका पेपर अच्छे से हो पाए। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आई होप आपको इस एग्ज़ाम में क्या आने वाले एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको समझ में आया हो और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, ये मेरा छोटा सा प्रयास है। थैंक यू सो मच।